हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड वी आर गोइंग टू द क्विकली रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। तो जो पुराना क्वेश्चन आ चुका है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, कि जो कैपिटल बजटिंग एनालिसिस है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, उसी तरह एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम लोग कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है और उसी तरह उसकी नेचर क्या है, उसके कंपोनेंट जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड वेरी ब्रीफली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है। देखो, कैपिटल बजटिंग को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग भी कह सकते हैं और उसी तरह एनालिसिस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। तो कैपिटल बजटिंग का जो मतलब है कि हम कैपिटल एसेट की प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट के साथ जुड़े होते हैं, जिनको हम खरीदते आज हैं लेकिन उनका बेनिफिट हमें कई सालों तक होता है। तो कैपिटल बजटिंग जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजटिंग जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो हम करते तो आज हैं लेकिन उसका बेनिफिट जो है हमें एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिलता है। एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग लिया है तो पैसा तो आज खर्चा है लेकिन उसका बेनिफिट जो है हमें डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे अवेलेबल होगा। और जब हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट के साथ जुड़ा होता है और यहाँ पे जो हमारे फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इट इन्वॉल्व नॉन फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ द फंड, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर टू इन्वेस्ट, हमें निवेश करना है या निवेश नहीं करना। तो जब भी हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो ये इसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी कह सकते हैं, प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, एनालिसिस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल है कि जैसे हमने परमानेंट एसेट जो है उनको प्राप्त करना है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है, और उसी तरह जो हमारे फिक्स एसेट है उसके अंदर हमने एडिशन करना है, एक्सपेंशन करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, ऑल्ट्रेशन करना है, और उसी तरह जो परमानेंट एसेट्स हैं उनको रिप्लेस करना है इन द केस ऑफ वो आउटडेटेड हो जाते हैं या हम मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं। रिसर्च एंड डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है और इसके अंदर हम कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उनका जो बेनिफिट है उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैनेजमेंट एक रिक्रिएशन रूम जो है एम्प्लॉयज के लिए बिल्ड करना चाहती है तो यहाँ पे डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव फैक्टर्स एम्प्लॉय रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स टी हॉर्नग्रीन ये कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन है। कैपिटल बजटिंग जो है दैट इज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। आउटले का मतलब होता है खर्चा करना। तो यहाँ पे हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं और उसको किस तरह से फाइनेंस करते हैं। मिल्टन एस स्पेंसर के मुताबिक कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व द प्लानिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एसेट रिटर्न फ्रॉम विच विल बी रियलाइज्ड इन फ्यूचर टाइम पीरियड। देखो, कैपिटल बजटिंग के अंदर हम वो एसेट परचेज करते हैं जिनका बेनिफिट हमें कई सालों तक अवेलेबल होता है, फ्यूचर के अंदर अवेलेबल होता है। तो इट इज द फॉर्मल प्रोसेस जिसके द्वारा फर्म जो है एवेलुएट करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करती है और वो उसके जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है उसके साथ
जुड़ा होता है। और यहाँ पे जब हम जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी हमने एसेट खरीदने हैं वो फ्यूचर, वो जो है स्ट्रैटेजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम जनरेट करनी है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल इज वेरी सिग्निफिकेंट फाइनेंस फंक्शन। देखो यहाँ पे जो है कैपिटल बजटिंग के अंदर, क्योंकि पैसा जो होता है ह्यूज होता है, जिसका बेनिफिट कई सालों के लिए होता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ द फंड्स होती है, तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइनेंस फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर फर्म के जो फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाते हैं, जिनको हम वहां से निकाल नहीं सकते। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म जो होता है उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन के साथ जानते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मे बी डिफाइंड एज द फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इट्स करंट फंड मोस्ट एफिशिएंटली इन द लॉन्ग टर्म एसेट इन एंटिसिपेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पे जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन की हम बात करते हैं, तो फर्म जो है आज जो उनके करंट फंड्स अवेलेबल है तो उसको बहुत ही जुडिशियसली और वाइजली जो है लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, और ये ध्यान में रखती है कि उसको फ्यूचर के अंदर क्या एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो मिलेगा। फर्म्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन वुड जनरली इंक्लूड एक्सपेंशन, एक्सपैंड करना चाहती है, पहले से काम बढ़ाना चाहती है, मॉडर्नाइज करना चाहती है, और लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर करना चाहती है या उनको रिप्लेस करना चाहती है। तो दीज आर दी बेसिक फीचर्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग, की जो करंट फंड है, करंट फंड जो आज हमारे पास पैसा है उसको हमने फ्यूचर बेनिफिट के लिए एक्सचेंज किया है। और यहाँ पे देखो जो इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म जो है लॉन्ग टर्म उसके अंदर की जाती है, और इसका बेनिफिट हमें कई सालों के लिए मिलता है। और यहाँ पे ये जो फीचर्स है कि करंट फंड्स को हमने आज करंट फंड्स हमें कमिट कर देते हैं, लगा देते हैं, जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय में मिलेगा। एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या रहता है, बट बेनिफिट कई सालों के लिए अवेलेबल होता है। और यहाँ पे जो फंड्स होते हैं नॉन फ्लेक्सिबल एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज के अंदर होते हैं, जिनमें से हम निकाल नहीं सकते और बहुत सोच समझ के हमें लगाने पड़ते हैं, और इसका जो है हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, इन डिसीजन को हम चेंज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं, और हमारी जो बिजनेस का फ्यूचर है वो भी इसके ऊपर होता है। तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग, कैश आउटफ्लो या आउटले। देखो यहाँ पे जब कैपिटल बजटिंग हम डिसीजन लेते हैं तो उसके अंदर होता है कि जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली पैसा इन्वेस्ट करना है, जिसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लो, कि जो हमने कैश हमारा बाहर जाएगा, जो हमने खर्चा करना है, तो जो प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियली हमने पैसा लगाना है या प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम के अंदर लगाना है तो वो कैश आउटले कहलाता है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ द एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो उसके साथ दूसरा खर्चा जुड़ा होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जब मशीनरी आएगी तो उसको इंस्टॉल करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट कंपोनेंट है कैश आउटफ्लो आउटले, जो हमने खर्चा करना है। इनफ्लो होता है कि जब हम डिसीजन लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगाने हैं या इन एसेट्स के अंदर हमने पैसा लगाना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना खर्चा है, तो ये भी देखते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट से हमें कैश इनफ्लो कितना मिलेगा। एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, यहाँ पे हम रुपीस के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे होता है कि ये खर्चा होगा, ये बेनिफिट होगा, इतना नेट रिटर्न हमें मिलेगा। कट ऑफ रेट होता है द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न व्हिच द फर्म वुड एक्सपेक्ट टू हैव फॉर एक्सेप्टिंग ए प्रपोजल शुड बी प्री डिटरमाइंड। देखो जब फर्म एवेलुएट करती है तो उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑप्शंस होती हैं, तो उसके अंदर किसी क्राइटेरिया से वो डिसाइड करती है, तो कट ऑफ रेट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न के इतना मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलना चाहिए, तभी जाके वो प्रोजेक्ट को, मतलब वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करती है जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा देती है, जिसके बेसिस पे वो उन प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेती है। उसी तरह जब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है तो हम उनकी रैंकिंग करते हैं, जिसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। और उसी तरह जब डिसीजन लिया जाता है तो उसके साथ जो फ्यूचर के साथ, क्योंकि फ्यूचर जो होता है अनसर्टेन होता है, रिस्क जुड़ा होता है, तो वो सारी चीजों को भी असेस किया जाता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, क्योंकि इसके ऊपर भी शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो जो
आइडिया कहाँ से आता है कि हमने पैसा निवेश करना है? ये टॉप मैनेजमेंट से भी आ सकता है और लोअर लेवल से भी आ सकता है। तो डिपार्टमेंट जो है उस आइडिया को एनालाइज करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी को वो आइडिया थमा दिया जाता है। और यहाँ पे जो प्रपोजल होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग कमेटी को दे दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे एंगल से उस प्रपोजल को असेस किया जाता है, और अगर बहुत सारे प्रपोजल होते हैं तो सुटेबल मैथड, जैसे ट्रेडिशनल मैथड्स हैं, मॉडर्न मैथड्स हैं, उनके द्वारा उनकी असेसमेंट होती है। और फिर वेरियस प्रपोजल की रैंकिंग होती है, देखा जाता है, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है कि कौन से प्रोजेक्ट है वो ज्यादा अर्जेंट है, कितना रिस्क उनके साथ जुड़ा हुआ है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके बेसिस पे अवैल्युएशन करने के बाद डिसीजन लिया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट कराता है कि ये जो हमारा डिसीजन था सही था कि गलत था। तो नाउ द सेकेंड पार्ट इज कंपैरिजन बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। देखो ये दोनों मेथड जो है मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग है, डिस्काउंटिंग के अंदर आते हैं जो कि टाइम वैल्यू को कंसिडर करते हैं। जो ट्रेडिशनल मैथड है वो टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स है। तो दोनों के अंदर ये सिमिलैरिटी है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो वहां पे जो फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उनको प्री डिटरमिन रेट या स्पेसिफिक रेट या कट ऑफ रेट के बेसिस पे जो है डिस्काउंट किया जाता है, जो कि गिवन होता है। लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर जो डिस्काउंट रेट होता है वो गिवन नहीं होता, उसको हम हिट और ट्रायल मेथड से कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जो कट ऑफ रेट होता है वो मार्केट रेट होता है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। लेकिन जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मार्केट रेट ऑफ रेट इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन करते हैं जिसके अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर फंड जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे और जिनको जो है अर्निंग जनरेट जो प्रोजेक्ट करेंगे उससे रिपे किया जाएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है गिवन होती है, जनरली ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाते हैं। और बेसिक जो प्रिजम्पशन नेट प्रेजेंट वैल्यू के साथ जुड़ी हुई है कि जो इंटरमीडिएट जो प्रोजेक्ट के अंदर कैश इनफ्लोज होते हैं उनको कट ऑफ रेट पे ही रीइन्वेस्ट कर दिया जाता है, बट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उनको जो हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट किया है उसके बेसिस पे रीइन्वेस्ट किया जाता है। और कई सिचुएशन के अंदर जो रिजल्ट होता है वो सेम होता है, बट कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जो आपस में प्रोजेक्ट जो है कम्पीट करते हैं, तो अगर बेसिकली क्या है कि वहां पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का रिजल्ट डिफरेंट होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का रिजल्ट डिफरेंट होता है, तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से जो रिजल्ट आता है उसको ज्यादा कंसिडर करते हैं, डैट इज टेकन इन टू कंसिडरेशन, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज्यादा रिलायबल है। तो दीज आर दी कंपैरिजन